तुम्हारे पार्टनर का जीवन भर का साथ मिलेगा, तुम्हारे प्यार का लाइफ टाइम का इंश्योरेंस हो सकता है। जो तुम्हें छोड़कर गया, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तुम्हें ना देखने की कसम खा ली, वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और तुम्हें सबसे बुरा समझता है, वो हर हाल में तुमको ही मिलेगा। तुम्हारा रिश्ता अगर टूटने की कगार पर है या पूरी तरह से टूट गया है, अगर तुम सच में अपना प्यार पाना चाहते हो, मंगलवार को 3 जगह रख दें सुपारी, फिर देखें चमत्कार, वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, वो आपकी हर बात मानेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको जिताया जाता है। रिश्ते हो, नाते हो, संबंध हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, प्यार हो, कुछ भी स्थिति हो प्यार की, हर स्थिति में आपको जिताना, आपकी लाइफ बेहतर बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। यहां पर हर रिश्तों का बाखूबी निर्वाहन किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, बात बेटे बहू की हो या बिटिया और दामाद की, बात पेरेंट्स की हो या नंद देवरानी जेठानी, किसी भी रिश्ते की बात हो, जहां पर रिश्ते संबंधों की बात है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार काम हो रहा है और यहां अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहां का 96% है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे ठीक होते? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपके साथ सीधा साझा किया जाता है। यहां रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या 4000 है। ये सच है कि तुम्हारा सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान और श्रद्धा मिल रही है लगातार, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी वजह से इस यात्रा को कुछ ही दिनों से YouTube इत्यादि पर चलाया गया है, यानी सोशल मीडिया पर भी इस पर काम चालू है। ये बहुत अधिक प्रेम का, बहुत अधिक सौहार्द का परिचायक है। इस सब चीजों के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यहां रोज सिखाया जाता है जीवन कैसे जिए, यहां रोज सिखाया जाता है कि अपने को कैसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाएं, यहां रोज सिखाया जाता है प्यार में कैसे जीत जाएं। आज हम कह रहे हैं ये 3 चीजें मंगलवार के दिन रख दीजिए। मंगलवार के दिन 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका परिवार 100% बच सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका घर, परिवार, रिश्ता, संबंध, प्यार, मोहब्बत, इश्क पूरी तरह से आपका हो सकता है। घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से केवल और केवल तुम्हारा प्यार और रिश्ता नहीं बचेगा, केवल शादी नहीं बचेगी, तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी, तुम्हारा घर खुशहाल होगा, जीवन बेहतरीन होगा और तुम जो चाहते हो वो होने लग जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सावधान हो जाओ। जब तुम्हें बहुत रोना पड़ रहा हो, जब तुम्हें बहुत दुखी होना पड़ रहा हो, जब हर चीज के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ रहा हो, जब तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, ऐसी कंडीशन में ये 3 जगह सुपारी रखने से तुम खुशहाल हो सकते हो। 3 जगह सुपारी रखने से तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो, जिस प्रकार तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो, वो सब कुछ होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पार्टनरशिप की व्यवस्था पूरी तरह से तुम्हारी होगी। व्यवस्था चाहे शादी के पहले हो, चाहे शादी के बाद की हो, हर तरफ से आपकी जीत होगी। जीत आपकी, व्यवस्था आपकी, संसाधन आपके, आपको सिर्फ बेहतरीन होने की आवश्यकता है। सच्चे प्यार में, वास्तविक रिलेशनशिप में, रियलिस्टिक लव में आपको जीवंत होने की आवश्यकता है। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो? ये मानता हूं तुम्हारी बात कि तुम्हारे जीवन में जब दुख होता है तो तुम्हें रोना पड़ता है, ये स्वाभाविक लक्षण है मनुष्य का, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया में अगर तुम रहोगे तो दुखी रहोगे, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए। और फिर सिंह कबाल न बांका हुआ, बकरे की बलि चढ़ाई गई। बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, पेड़ सीधे काटे जाते, टेढ़े नहीं काटे जाते। आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें दुखी होकर के कोई इंसान जीत गया हो। दुखी होने से, परेशान होने से, रोने से, निगेटिव होने से, दिनचर्या खराब करने से, नहीं सोने से, नहीं खाने से, नहीं पीने से, अपना रूप लावण्य समाप्त कर देने से, अपने आप को बर्बाद कर देने से और बहुत सारी गलतियां करते रहने से सच में सब ठीक होगा? इवन देन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो बचा भी है ना वो भी खराब हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पलट कर देखा, उसे लगेगा अच्छा किया, कोई कूड़ा करकट छूट गया। उसे लगना चाहिए कभी पलट कर देखे कि हां बाप रे, कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे, कैसे छूट गया ये रिश्ता, ये रिश्ता मुझसे छूटा कैसे, ऐसा लगना चाहिए। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब तुम मुस्कुराने की आदत डालोगे। ये तब लगेगा जब तुम हर आधे घंटे में अपना मुंह जूठा करोगे पानी से। ये तब लगेगा जब तुम अपने आप को बहुत सुंदर और बेहतरीन बनाओगे, हाँ श्रेष्ठ बनाओ, और हर लड़ाई के लिए, हर युद्ध के लिए कंप्लीट तैयार रहो। जितने भी विलक्षणता है, जितने भी वो लक्षण है जिससे लोग मना करते हैं, मैं कहता हूं वो सब कुछ रखो। मैं वो गुरु हूं जो तुम्हें नकल भी कराऊंगा और तुम्हें पास भी कराऊंगा। मैं ही वो हूं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं ही वो हूं जो तुम्हें तुम्हारा एग्जाम लूंगा, और मैं ही तुम्हारी मार्कशीट बना करके तुम्हें उत्तीर्ण करूंगा। लेकिन फिर तुम्हें थोड़ा ठीक रहने की जरूरत है। मैं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुम्हें तुम्हारा प्यार दे सकता हूं, इसी क्षण तुम्हारा प्यार तुम्हें दे सकता हूं। क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए? उदाहरण में समझने की कोशिश करना तुम्हारी तैयारी का, सिर्फ हां मत कह देना। चैटिंग में हां करना शुरू कर दिया होगा तुम लोगों ने, नहीं मैं देखता ही नहीं इसी वजह से। मैं सिर्फ अपने उन बच्चों को देखता हूं जो मेरी बात समझते हैं। 95% वो लोग नहीं है जो सिर्फ आते और चले जाते, 95% में वो लोग हैं जो बेचारे तपस्या कर रहे हैं, उनका जीवन ठीक हो रहा है। मैं अभी कभी दे सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? तैयारी का मतलब समझते हो? मैं तुम्हें 5,000 लीटर दूध दे रहा हूं, काहे में लेके जाओगे, अंजलि में? अरे महामूर्खा धीराजो, पात्र ले आओ उस लेवल का जो तुम मांगने आए हो, जो तुम चाहते हो, वो पात्र तो दिखाओ। किस पात्र में लेके जाओगे? मैं देने को तैयार हूं। पात्रता तुम्हारी अपनी होती है। तुम उस लायक तो बनो, पात्रता मतलब लायक बनना, तुम उस लायक तो बन जाओ कि तुम्हें मिल ही जाए। कोई चीज सहजता से मत लेना, उस लायक बनकर लेना ताकि जीवन पर्यंत उसे तुम संभाल कर रख सको। सीख लो वो पूरी की पूरी चीजें जिससे तुम बेहतर हो सकते हो। आज तुम्हें बता रहा हूं 3 सुपारियों के बारे में। सुपारी की महिमा मंडन नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें मैंने आज कर ली हैं तुमसे। सुपारी की सामान्य महिमा मंडन समझ लो कि सुपारी और हल्दी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो विवाह में बहने की तरफ बांटी जाती हैं। ये वो सूचक हैं जिनको दिखा करके किसी के घर अगर आप पहुंचा दीजिए तो वो समझ जाते अच्छा लड़की या लड़के का ब्याह है। शायद ब्याह का सूचक है, मांगल्य का कार्य का सूचक है, और ये सूचक है आपके अपने जीवन में प्रेम को भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए, कन्यादान करने के लिए, संकल्प लेने के लिए, अपने जीवन में कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं, संकल्पित हो रहा हूं, सुपारी की जरूरत है। बिटिया या लड़के का विवाह कर रहे हैं, आपको पता है गांव में किसी को पूछना अगर हल्दी आए तो किसका विवाह माना जाता है और सुपारी आए तो किसका विवाह माना जाता है? लोग जान जाते हैं इतनी सी बात में। तो आज वही सुपारी की बात कर रहा हूं उस हल्दी के साथ। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए गुलाब जल या गंगा जल, हल्दी पिसी हुई और सुपारी, मात्र इतनी चीज। 3 सुपारियां कहीं रख दीजिए, 3 सुपारियां अपने घर के इन स्थानों पर रख दीजिए, आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। प्यार मिलेगा, विवाह होगा, शादी चलेगी, जीवन बचेगा, खुश हो जाओगे और सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं, एक वॉइस मैसेज प्लीज। हे गुरुदेव, मैं आपको कितना थैंक यू बोलूं, आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम हो गया, मुझे कोई भी
दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सफलता ही पा रही हूँ। मैं हर संकट से भी बच रही हूँ, आपकी वजह से कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। मेरा डर इतना बड़ा था गुरुदेव कि मैं किसी से बता नहीं सकती रही। मैं अंदर अंदर इतना रोती रही, किसी से बात भी नहीं करती रही, ना घर में बोल पा रही थी ना किसी और से बोल पा रही थी। लेकिन आपकी वजह से गुरुदेव मेरा काम हो गया। मैं आज इतनी खुश हूँ, इतना हंसने लगी हूँ कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 3 महीने पहले क्या थी और क्या हो गई हूँ। हे गुरुदेव, आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम हो गया। मैं आपको गुरु जी नहीं बोलती, मैं आपको भोलेनाथ बोलती हूँ, पापा जी बोलती हूँ, क्योंकि जो मेरा कोई नहीं था तो आपके यूट्यूब के सारे प्रयोग में करती रही, उन्हीं को देख देख के जिंदा थी। लेकिन आज आपके यहाँ मैंने पूजा करवाई और मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। हे गुरुदेव, मैं अपने प्यार को पा गई, मैं अब जिंदा हो गई हूँ। मैं बिल्कुल मर गई थी लेकिन अब जीने लगी हुई हूँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बापरे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत थी, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आप ठीक रहें, बिल्कुल सबका काम हो रहा है, आपको ये बात पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सच है कि गुरु और पिता एक ही होना चाहिए, दूसरा होना गाली है अपने आप में। मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। आपका काम होने लग गया है और बात होने लग गई, मैसेज आने लग गया, फोन आने लग गया, बस मुलाकात नहीं हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं बता सकता, पर मैं डेफिनेटली आपको अलग से गाइड करूंगा और समझाऊंगा इस बारे में। जनरली आपके अपने जीवन में जो होने लग गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नहीं हो रहा है उसके प्रति चिंतन और मनन की आवश्यकता है। कुछ हो रहा है इसका मतलब हम सही दिशा में हैं, और कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गलती है, हम उस पर फिर से बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने स्वीकार का समझा, माना और अपनी तरफ से आगे बढ़ करके धन्यवाद किया। इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं 3 सुपारियां और 3 जगहों पर, घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपके अपने जीवन में सब बेहतर हो सकता है। तलाक बच सकता है, शादी बच सकती है, विवाह बच सकता है, रिश्ता बच सकता है, संबंध बच सकता है और रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकती है। इन सब चीजों पर काम कर सकते हैं। जनरली वेद और शास्त्र कहता है सुपारी से बड़ा दूसरा कोई संसाधन नहीं है। आपको करना क्या है, बहुत सामान्य 3 सुपारियां लेकर के गंगा जल, गुलाब जल से किसी से भी हल्दी गीली करके उसको पूरी तरह से रंग लेना है। हर एक सुपारी को अपने, पहली सुपारी सर पे रखिए, मस्तक पर लगाइए, नाभि में लगाइए और कंठ में लगाइए और हृदय में लगाइए। नाभि में पहले, कंठ और हृदय में बाद में। ऐसा ही 3 सुपारियों के साथ करिए और 3 सुपारियों को एक साथ दाहिने हाथ पर रख के बायां हाथ नीचे रखिए और अपने प्यार पार्टनर, पति पत्नी, जो भी तुम्हें जिसको पाना चाहते हो, जिससे सब ठीक करना चाहते हो, उसका 7 बार नाम लेकर के फूंक मारिए और लास्ट में बोलिए ओम लम सम हम शम, लम सम हम शम, ऐसा बोल करके फूंक मार दीजिए 3 बार। और घर के 3 अलग अलग जगहों पर, अब कहां रखना है, 1 सुपारी रखना है आपको अपने मंदिर में, 2 सुपारी आपको रखना है अपने बेड यानी बेड और गद्दे के बीच में, गद्दे के नीचे, और 3 सुपारी रखना है आपको अपने किचन में कहीं ऐसी जगह पे जहां से कोई हटाए नहीं इसको। इन 3 को आप कपड़े में बांध कर भी रख सकते हो और बिना कपड़े में बांधे भी रख सकते हो। कपड़े में बांध रहे हो तो पीला और लाल इन दोनों में से किसी कपड़े में बांध कर रखिएगा, इसे हटाइएगा मत जब तक सब ठीक नहीं हो जाए। बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर ये काम करिए और ये काम मंगलवार के दिन करना चाहिए। यद्यपि आप ये शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार ज्यादा काम करता है, किसी भी दिन भी किया जा सकता है। ये 2 दिन बड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ और मुस्कुराते हुए इस उपाय को करिएगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना। जरा विश्वास तो करो, आगे तो बढ़ो, गुरु को मानो तो सही, दुनियादारी छोड़कर पूरी भक्ति के साथ गुरु चरणों में अनुराग रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।